सो हेलो सब गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है निशित वाड़ी, तुम सबका भाई आ चुका है फिर से एक और नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हाँ फिर से होने वाला है 4v4, पर इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम लोगों ने इंस्टाग्राम से उठाया है, खासकर जो रूपम के साइड से खेलेंगे तो वो इंस्टाग्राम से ज्वाइन हुए हैं। और अगर इंस्टाग्राम से तुम लोगों को भी आने का है तो सिंपल है ना भाई, इंस्टाग्राम में मैसेज करने का, बहुत नीचे लिंक मिलेगा उसको टैप कर दो। और बाद में एक मजे की बात ये कि इस गेम में ना अपना नवाब जो है वो भी है, तो देखने वाले बात है कि यार नवाब जो है भी इस बार अपना कमाल दिखा पाता, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो भी नहीं खेला। और अभी ऐसा है कि अपन जो है ना फ्री फायर पे अभी अपन खेलते नहीं ज़्यादा, तो वही सीन है। तो देखते हैं क्या होता है आखिर जाकर कि क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि पी एन जेरोक्स और नीचे है पी एस बॉस, जो कि दोनों के दोनों ही अपन इंस्टाग्राम से उठा लें। तो सिंपली तुम लोगों को भी इंस्टाग्राम में जाने का, मैसेज करने का और अपन तुमको उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गिटने विटने भी नहीं करने का, बस उधर से खिलाएंगे साथ में। और यार मैं से बताऊँ तो यार रात को फिर से अभी 3 बजे अराउंड, और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा धीरे ही बोलना पड़ेगा। बाकी यार पंखा भी नहीं चला रखा है मैंने, गर्मी भी लग रही है तो पता नहीं क्या होगा। और ऊपर से देख रहे हो मेरा हेयर कट, से बताना कैसा लग रहा हूँ, लग रहा हूँ ना एकदम हीरो। तो चलो स्टार्ट हो चुका है, अभी देखने वाली बात है कि इस मैच में क्या होता है। क्योंकि पिछली बार जैसे कि तुम लोगों को पता है शायद से रूपम की स्कोर जो है वो पिट गई थी। और हाँ देखने वाली बात है कि इसमें क्या होता है। और मैं काफ़ी धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि यार ऐसा नहीं कि धीरे बोलने का अलग ही मजा है, फिर आवाज़ जो है वो सही से रिकॉर्ड हो पाती है। और मैं सही बताऊँ तो मेरे को पता नहीं है कि ऊपर का सामान पानी ठीक से दिख भी रहा है कि मेरा थोपड़ा नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या सीन है। वो एडिट करते हैं पता चला, तो जैसे कि देख सकते यह रहा अपना नवाब और यहाँ यह अपना दी अजय और फिर अपना रूपम और फिर पी एन जेरोक्स। मैं सही बताऊँ तो यह जेरोक्स तो कोई अपना नेशनल, क्या नाम है उसका, नेशनल गेमिंग नहीं सॉरी नॉन स्टॉप गेमिंग का होता है ना जेरोक्स, उसके जैसा कुछ नहीं है। मैंने उसका कॉपी वॉपी नहीं किया है तो बस नॉर्मल ही है। मुझे पता है तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि यार निश्चित यार मज़ा नहीं आ रहा है तेरी वीडियो देखने में आजकल, और इनफैक्ट कोई वैसे कास्ट नहीं कर पा रहा है। तो मैं तो सही बताऊँ तो आजकल मतलब थोड़ा सा वो हो चुका, डिमोटिवेट सा हो चुका, क्योंकि यार वीडियोज़ बनाने के बाद ना तुम लोगों का कुछ उतना ज़्यादा सपोर्ट आता नहीं है, कभी मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर जैसे देख सकते कि अपना जो FF लेजेंड है, सॉरी लेजेंड FF है, वो फिनिश कर दिया गया है अजय की तरफ से। और हाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है, क्योंकि लेजेंड काफ़ी अच्छा प्लेयर है। जैसे कि हम लोगों को पता है, लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा तो तुम लोग जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे लिंक देंगे देखो। पर हाँ इस वीडियो के बाद देखना तो शायद से तुम लोगों को भी ज़्यादा मज़ा आए। पर यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि अपने शायद से हाँ जेरोक्स और जो अपना पी एस बॉस था वो ख़त्म हो चुके हैं, और अभी क्लाउन जो है वो फाइट ले रहा है शायद से अजय के साथ। और यहाँ पर अजय जो है वो बहुत ही अच्छा खासा डोमिनेट करते हुए रूपम जो है यहाँ पर पैक कर जाएगा, पता नहीं क्यों क्या सीन है पता नहीं। और ओके रूपम यहाँ पर फिनिश कर दिया गया नवाब की तरफ से। और हाँ नवाब की तरफ से तो भैया हीलिंग चल रही है, और अजय की तरफ से 1v3 सिचुएशन है। और देखने वाला बात है कि यहाँ पर अजय डोमिनेट कर पाता कि नहीं, क्योंकि अजय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। हाँ हम लोगों ने जैसा कि देखा ही होगा, खैर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स उनको पता ही होगा। और मैं सेवा तो यार मेरे को मतलब डिमोटिवेट सा हो चुका, इसी वजह से मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा। ओके यहाँ पर अपने जो नवाब है उसका अच्छा खासा हेल्थ पड़ा है, जैसे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चल चुकी है। अब देखते हैं इसकी पेटी कौन लुटता है। ओके भाभी है जिसने ख़त्म किया मैच को। तो हाँ मैं क्या बोल रहा था कि डिमोटिवेट सा हो चुका हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा है, और हाँ इसी वजह से शायद से मैं वीडियोस नहीं डालता हूँ, तुम लोगों को पता ही होगा। और अगर तुम लोग भी चाहते हो खेलना वेलना तो आ जाना, मेरे को दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो अपनी ID वगैरह दे देना, और साथ में व्हाट्सअप नंबर भी तो मैं ग्रुप में ले लूँगा। और वहीं से अपन कस्टम वगैरह करते हैं, हर रोज़ ही नया नया कस्टम होता रहता है, कुछ चैलेंज भी आते रहेंगे, तो खैर वो तो बाद में देखेंगे क्या होता है सीन। और हाँ वीडियो पूरा एंड तक देखना यार, क्योंकि मतलब मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने का। और कोशिश करूँगा कि लोगों को और भी ज़्यादा एंटरटेन कर सकूँ, और रात की काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी इसी वजह से मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं रहा। एक सेकेंड क्या क्लाउन ने अभी लोल दिखा है, मार दिया गया है अजय को, शख्स नहीं अजय को नहीं पी एस बोस को मार दिया गया है, क्योंकि अजय और पी एस बोस ऑलमोस्ट सेम कपड़े पहने हैं। और इधर से पी एन जेरोक्स को भी ख़त्म कर दिया गया है, और नवाब भी नॉक है, डी अजय भी नॉक है। ओके बच्चा बस बचा हुआ है तो वो है रूपम, और हाँ अजय भी फिनिश हो चुका है अभी फाइनली। तो अभी डी रूपम जो है अनिल टू से GM जो रूपम है, क्या वो ख़त्म कर पाएगा पूरा मैच। ओके यहाँ पर लेजेंड जो है वो ख़त्म कर दिया गया है रूपम की तरफ से लेजेंड को, और देखते हैं क्या होता है। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर फिर से शायद से नवाब ने बाजी मार ली है, या फिर अपने क्या नाम है उसका शुभम ने बाजी मारी होगी। यार मैं से बताऊँ मेरे को अभी मज़ा ही नहीं आ रहा सीरियसली, मतलब कस्टम सही है, खेलना देखना भी अच्छा लग रहा है, पर मेरे को अभी कास्ट करने में कुछ उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है, क्योंकि यार मूड नहीं है यार, मूड होना चाहिए सब चीज़ों के लिए। और अभी जो सीन है ना कि आजकल
कि फ्री फायर में उतना ज़्यादा कुछ सपोर्ट आता नहीं है और तुम लोग भी वीडियोस को सपोर्ट करते नहीं हो। अभी तक बस 600 सब्सक्राइबर पर अटका हुआ, अभी तक बहुत सारे लोगों के अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो चुके होंगे और अनफॉर्चुनेटली नवाब भी यहाँ पे नॉक फिनिश हो चुका है, जो कि मैंने ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था नवाब से, पर चलो ठीक है। ओके तो यहाँ पर जेरोक्स भी ख़त्म हो चुका है लेजेंड की तरफ से। और भाई यार फ्री फायर में अभी खेलने में भी मज़ा नहीं आता और काफ़ी सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि यार निशित भाई फ्री फायर के वीडियोस कब आ रहे हैं, खासकर तुम कब खेल रहे हो, तो इसका आंसर है कि नहीं मैं नहीं खेल रहा फ्री फायर, क्योंकि मेरे को अभी खेलने में मज़ा भी नहीं आता, रैंक पुश तक मैंने नहीं किया, तो देखते क्या सीन रहता है। और यहाँ पर अभी फिर से अजय जो है वो 1v3 सिचुएशन, 1v2 सिचुएशन में सॉरी, और देखते हैं क्या अजय फेल पाएगा लेजेंड को, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। ओके अजय की तरफ से पूरी कोशिश किया लेजेंड, ओके लेजेंड नॉक है और हाँ शुभ भाई यहाँ पर रिमोट दिखाना है, तो जब तक ये रिमोट देख रहा तब तक बोल देता हूँ कि यार तुम लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो किस बात के जरिए जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि देखो अभी डिमोटिवेट हो कब मोटिवेट होंगे पता नहीं, कभी को मैं बहुत ही अच्छा वीडियो डाल सकता हूँ तो शायद से तुम लोग मिस कर जाओ। और हाँ कोई पूछ रहा था कि यार निशित भाई आपका जो हॉरर वीडियो वो कब आ रहा है, तो वो बहुत ही जल्द आ सकता है प्रोबेबली, और यहाँ पर मैच खत्म हो चुका है, चलो ठीक है अच्छा रहा है मैच इनका वैसे। हाँ तो क्या बोल रहा था कि अपना जो हॉरर वीडियोज वो कब आएंगे, आएंगे बहुत ही जल्दी आएंगे पर पता नहीं कब आएंगे खैर। और फ्री फायर अभी मैं ज़्यादा खेलता नहीं तो मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं खेल के कोई वीडियो डालूंगा कि यार मज़ा नहीं आता, क्योंकि देख रहे हो कैसे ग्लिचेस पे ग्लिचेस हो रहे हैं, बंदे ग्लोल के आजू बाजू आ रहे हैं आर पार आ रहे हैं भाई सीरियसली यार, इट्स टोटली अनोइंग, इसी वजह से मैं नहीं खेला। और फ्री फायर के ऊपर मतलब गरीना के ऊपर काफ़ी दिनों से मैं भी थोड़ा सा गुस्सा हूँ और काफ़ी यूट्यूबर्स के ऊपर गुस्सा है, देयरफॉर रीज़न मैं खेलता नहीं हूँ ज़्यादा। और बहुत सारे प्लेयर्स जो है ऑलरेडी फ्री फायर छोड़ चुके हैं और हवा भी यहाँ पर फिनिश हो चुका है सीरियसली। ओके अजय यहाँ पे नॉक फिनिश हो चुका है, ओके क्लाउन की तरफ से खड़ा ख़त्म कर दिया गया अजय को, और यहाँ पर जो पीएस बॉस है वो हील करते हुए, और हाँ जेरोक्स भी ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर शायद से ऐसा सीन रह सकता है कि आखिर में ना अपना रुपम जो है वह 1v3 सिचुएशन में फिर से फंस जाए या फिर नहीं, ओके रुपम यहाँ पर शायद से रश करने की सोच रहा है। ओके अभी अभी इसको पास दिया है अपने लेजेंड इफेक्ट में, और हाँ फिर से यहाँ पर पीएस बॉस जो है ख़त्म हो चुका है। और यार ये क्या कमाल है, थोड़ी देर बाद आवाज़ करते हैं तो पता नहीं क्या सीन है ड्रेको M10 के साथ, क्या लेजेंड FF मार पाएगा, देखते क्या सीन रहता है। चलो ठीक है धीरे धीरे करके फॉर्म में आएंगे थोड़ा सा आराम, नहीं यार यहाँ पर सीन उल्टा हो चुका है लेजेंड FF के साथ, क्योंकि अपने को भी पता है रुपम अच्छा प्लेयर है, और हाँ पता नहीं मेरे से अच्छा प्लेयर है क्या पता नहीं, पर अच्छा है। और क्लाउन यहाँ पर वेट करता है रुपम का, घात लगा के सीधा शिकार करने के फिराक में है, और हाँ शिकार शायद से सीधा मुंह पे जाएगा, देखने वाले बात है क्या रहता है। ओके यहाँ पर 1v2 सिचुएशन, और हाँ शुभम पीछे से आ गया पर अनफॉर्चुनेटली शुभम ने मिस कर दी गोली, और हाँ यहाँ से अपना जो रूपम है वो बाहर निकल चुका है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि जो रूपम है ना वो जोन में फंस के मरेगा, ऑब्वियस सी बात है जोन में फंसेगा और बेचारा अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाएगा। यहाँ पर देखने वाली बात है कि कौन जीतता है, तो ऑब्वियसली बोलो विजय की, क्या बोल रहा हूँ पता नहीं क्या बोल रहा हूँ पर चलो ठीक है। क्या लोल दिखा रहा है, सही है यार ऐसे बता तो यार मेरे को भी मन कर रहा है कभी कभी खेलने का, पर वही सीन रहता है कि खेलने में आजकल मज़ा नहीं आता तो खेलता नहीं हूँ। और आजकल पबजी भी ज़्यादा मतलब कोई सा भी गेम खेलने में ना वो मज़ा नहीं आ रहा अभी पहले जैसा, और पता नहीं कभी मैं वापस कम बैक कर पाऊँगा पूरी तरह से जैसे मैं पहले था एक टाइम पर एक्टिव, पर जब एक्टिव था तब भी कोई मतलब ऐसा सपोर्ट आता नहीं था तो इसी वजह से डिमोटिवेट हो गया, उसके बाद सब भैया एकदम से डिमोटिवेट चल रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि दोनों के टीम के एक एक प्लेयर जो है वो नॉक है, और क्या यहाँ पर दोनों के टीम के एक एक प्लेयर फिनिश हो जाएंगे। ओके क्लाउन फिनिश कर दिया गया रुकम की तरफ से, और यहाँ पर दिया जाए की तरफ से शायद से इनका एक और प्लेयर लेजेंड FF जो है वो ख़त्म हो चुका है, और अभी यहाँ पर एक और प्लेयर जिनका नाम है शायद से शुभम वो भी ख़त्म हो चुके हैं, और हाँ अभी बचे हैं नवाब, और नवाब के सामने 1v3 सिचुएशन ऑलमोस्ट, और देखने वाली बात है कि नवाब जो है यहाँ पर 1v3 कर पाता है कि नहीं, और जैसे देख सकते रुकम यहाँ पर पता नहीं क्यों बैठा हुआ है। ओके यहाँ पर शुभम नॉक है, फिनिश नहीं हुआ अभी तक पर आई थिंक हो जाएगा। ओके चलो ठीक है यहाँ पर नवाब को फिनिश कर दिया गया अजय की तरफ से, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, मैंने नवाब से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, काफ़ी ज़्यादा लेजेंड गेम प्ले का एक्सपेक्ट किया था जो कि हुआ नहीं नवाब की तरफ से, पर देखने वाली बात है कि क्या सीन रहता है आगे जाके। ओके दोनों स्कोर फॉर्म में शायद से है, और हाँ क्या सीन रहता है देखते हैं, क्लाउन पता नहीं क्यों ग्लोअ इतना सारा लगा रहा है आई डोंट नो, और फिगर ग्लोअ का भाई अनलिमिटेड ग्लोअ तो बस विद्यास लगाता रहा। ओके तो शुभम यहाँ से ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, और ये देखो बोल रहा था इसी वजह से मेरे को फ्री फायर पसंद नहीं है सही में, ग्लोल का आर पार आ जाता बंदे और इसी वजह से कस्टम में नहीं खेलता मैं, मेरे को मतलब मज़ा ही नहीं आता, अच्छा कौन खेलता है ये सब,
मुझे पता है बोर लग रहा होगा तुम लोगों को, मतलब बोरिंग सा लग रहा होगा कि यार कैसे कास्ट कर रहा है, पहले तो और भी अच्छा करता था बट अनफॉर्चुनेटली अभी उतना कुछ मज़ा नहीं आता है और मूड भी ऑफ ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम भी हो गया है अपने लाइफ में और नवाब यहाँ पर नॉक कर दिया गया है और लेजेंड को शायद से रिवाइव कर रहा है और अपना जो जेरॉक्स है वो किया है, नवाब ख़त्म है। किसने मारा किसको पता भी नहीं चला मेरे को सीरियसली, इतनी जल्दी बाजी पलट गई। और ओके यहाँ पर क्लाउन जो है वो 7 पे है और नवाब जो है वो 5 पे है, शायद नहीं नवाब 4 पे, पता नहीं क्या है सीन, ठीक से देखा भी नहीं चल छोड़ो। ओके तो इसको क्या हो गया पता नहीं, क्लाउन यहाँ पर 1v4 सिचुएशन पर अनफॉर्चुनेटली क्लाउन यहाँ पर नहीं क्लच कर पाया और अपना जो हाँ पीएस बॉस है उसका अलग ही सीन था, तो इनका गोली मारा एंटन देखे पता नहीं भगवान की भगवान जाने इनका क्या होगा, भविष्य अंधेरे में लगता है मेरे को। खैर छोड़ो जो भी होता देखते रहे क्या होता है हर भाई। और ना यहाँ पर फिर से जो रुपम है वो अपनी पूरी उम्मीद के साथ कि शायद से मार पाएगा किसी को, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पहले ही हाँ लेजेंड जो है वो नॉक हो चुका है, क्योंकि अच्छी बात है 2-4 देखने वाली बात है कि कौन सी टीम जीतती है। और मेरे को अभी तक नहीं पता कि जो ये कैमरा है क्या मेरा सर शूट करा है कि मेरे को ही शूट करा, पता नहीं क्या सीन है, चल देखते हैं। ओके यहाँ पर क्लाउन जो है वो फाइट ले रहा है शायद से हाँ अजय के साथ, और अजय क्या इसको मार पाएगा आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है सीन, आई होप कि अजय नहीं मार पाएगा, इनका कुछ नहीं हो सकता बस कस्ते में खेलते रहो चाचा, तुम्हारा और कुछ हो भी नहीं सकता। ये सही बता तो ये जो प्लेयर्स है ना इनको अगर अपन ने सही में डाल देना किसी बैटल ग्राउंड गेम में तो क्या परफॉर्मेंस देंगे ये, मैं मतलब सोच भी नहीं सकता, इनको अनलिमिटेड ग्लोर चाहिए होगी अगर अच्छे खासा परफॉर्मेंस देना, देखा सही में। ओके दोनों अब आपके पीछे यहाँ पर पूरी स्क्वाड पड़ चुकी है और ये बेचारा कुछ 4 HP से बच के निकला है और रुपम जो है यहाँ पर हीलिंग करा है शायद से, और हाँ 2v2 सिचुएशन और देखते हैं कौन जीतता है कौन सा टीम, आई होपफुली कि यहाँ पर नवाब की टीम जो वो अच्छा परफॉर्मेंस दे जाए, क्लाउन जो काफ़ी अच्छा प्लेयर है और मेरे से बताओ मेरे को अभी नींद से आ रही है। ओके लगभग गेम के शुरू होने के 11 मिनट हो चुके हैं और तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, चीटिंग है ये चीज़, नहीं सही बताओ इस वीडियो में अगर ज़्यादा नहीं अगर 30 लाइक भी आ जाता ना तो मैं जल्दी एक और वीडियो डालूंगा पर 100% नहीं करता, मतलब और ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा अगर इस वीडियो में अच्छे खासे व्यूज़ आ जाता। ओके एक एक प्लेयर पीछे दोनों का नॉक और 1v1 सिचुएशन आई थिंक, और हाँ यहाँ पर नवाब की तरफ से डैमेज दिया गया है अपने शायद से हाँ अपने क्या नाम है इसका जेरोक्स को, और रुपम रिवाइव हो चुका है और रुपम जेरोक्स ख़त्म है और रुपम को तो भैया जोन में जोन ने ख़त्म कर दिया, चलो ठीक है यहाँ पर भगवान वर्ष से कौन सी टीम जीती पता नहीं। ओके तो 5-2 हो चुका है, क्या लगता है मैं ऐसे बता तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लोग आज बहुत ही गंदा वाला हारेंगे और नवाब की टीम वाकई में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है यार। ओके तो फिर से नवाब की टीम परफॉर्मेंस देते हुए नवाब ने यहाँ पर नॉक कर दिया अजय को और अजय हो चुका फिनिश, तो देखने वाली बात है क्या यहाँ पर नवाब को कोई फिनिश कर पाता है, क्योंकि रुपम जो है वो नवाब के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है और यहाँ पर फिर से क्लाउन जो है वो फिनिश हो चुका है और शायद से ये एक बात ही हो सकी है कि वो लोग यहाँ पर गेम ले जाए, और जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर फाइट चल रही है दोनों के बीच में काफ़ी घमासान, और हाँ यहाँ पर रुपम को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ चुका है बेचारे हील करते हुए, और लेजेंड जो है शायद से किसी से फाइट ले रहा है और नवाब किसी के अंदर घुस गया और यहाँ पर शायद से नवाब ने ड्यूअल किल निकाल लिया है, हाँ ड्यूअल किल निकाल लिया और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नवाब से कि इस बार ये 1v4 कर जाए, और यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि रुपम की तरफ से शुभम को भी फिनिश कर दिया गया और बचा हुआ है बस रुपम और दो और प्लेयर, मतलब जो अपने रुपम है उसके साथ पीएस बॉस, और पीएस बॉस ही ऐसा नहीं एसपी बॉस है, हाँ अभी तक मैं पीएस बॉस बोल रहा था क्या, अच्छा आहिदा अजीब वो नाम है यार इनका, पता नहीं कुछ भी नाम रखते थे धरती सर और क्या क्या नाम रखते भगवान जाने, अपना तो सही है भाई निशित वाइट है और कुछ ही नहीं मिस्टर निशित वाइट है, और बाकी जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर 2v2 सिचुएशन है। ओके तो रुपम को शायद से डैमेज दिया गया था यहाँ पर, ओके तो यहाँ पर अपना जो एसपी बॉस है वो ख़त्म हो चुका है और रुपम भी ख़त्म हो चुका है। ओके नवाब की तरफ से यहाँ पर 1v4 क्लच, ये सही है यार। ओके तो फिर से यहाँ पर जो थोड़ा सा फॉर्म में दिखते हैं और 2v6 सिचुएशन है, मतलब ऐसा 2 और 6 की सिचुएशन है और देखने वाली बात है कि कौन सी टीम जीतती है, और हाँ सही में अजय इतनी जल्दी नॉक हो गए। ओके क्लाउन की तरफ से अजय को मार दिया जाएगा फिनिश आई थिंक, और यहाँ पर देख रहे हो कैसे मतलब बंदे आपस आपस में किल चुराने पर लगे हुए हैं, ठीक है यह देख रहे हो रुपम को डैमेज पड़ते हैं और जो कि शायद से हाँ नवाब नहीं दिया है और डेजर से 1 टैप मारने की कोशिश, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लगा नहीं, चलो ठीक है। ओके मैंने गलती से ओपन कर दिया, चलो ठीक है यार चलता है इतना तो। ओके तो देखते हैं कौन सा टीम जीतती है और नवाब का डैमेज पड़ता हुआ है रुपम की तरफ से, पर नवाब ने पैक कर लिया
आई होपफुल कि नवाबी यहाँ पर बच जाएगा। और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं अपना जो एस पी बॉस वो खत्म हो चुका है और बचे हैं बस ये तीन और बाकी के दो प्लेयर वही पुराने अपना जो रूपम है और उसके साथ एन पी जेरोक्स है, सॉरी पी एन जेरोक्स है या कुछ भी नाम लेता था, तो भगवान जाने क्या होगा मेरा जिंदगी अंदर में। ओके नवाब यहाँ पर नॉक हो चुका है, फिनिश हो चुका है आई थिंक, और हाँ टू की टू सिचुएशन। ओके बंदा अच्छा खेल रहा है वैसे जेरोक्स जो भी है, अपन ने ऐसा रेंडमली उठाया है पर पता नहीं कैसा परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा डोमिनेट दे रहा है सभी को वैसे। और रूपम भी बहुत ही अच्छा खासा खेलते हुए इस गेम में काफ़ी अच्छा खासा डोमिनेट देता है सभी को। और जैसे कि देख सकते यहाँ पर रूपम ने शायद से नॉक कर दिया क्लाउन को, नहीं क्लाउन को नॉक किया गया है शायद से अपने जेरोक्स की तरफ से। और हाँ रूपम यहाँ पर फिनिश कर दिया रूपम, अच्छा खासा कमबैक, पर ये इनका लास्ट चांस है, अगर इस मैच में थोड़ा सा हार गया ना तो खत्म है खेल, मतलब बहुत गंदा वाला हारेंगे। और ये चीज़ इनके लिए आई होप फुल इससे ज़्यादा बड़ी बेइज्जती कुछ हो ही नहीं सकता। और ये जो चार प्लेयर है खासकर क्लाउन लेजेंड और अपना नवाब और साथ में शुभम बहुत ही अच्छे खासा प्लेयर है, देखते हैं इनका क्या सीन रहता है। ओके तो यहाँ पर कौन सी टीम किसको पहले मारेंगी देखते हैं। हाँ होपफुली कि यहाँ पर नवाब जो है वो क्लच वगैरह फिर से निकाल ले, क्योंकि मेरे को ऐसा एक्सपेक्ट है नवाब से, और अनफॉर्चुनेटली शायद से नवाब नॉक हो चुका है। एक बंदे को तीन तीन बंदे घेर के मारेंगे तो इससे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या हो सकती है। ओके तो लेजेंड और क्लाउन को शायद से पता चल गया है कि नवाब नॉक फिनिश हो चुका है, ऑब्वियसली पता चली गया होगा, तो अभी फायर ले रहे हैं एक दूसरे के साथ, देखते क्या सीन रहता है। ओके तो यहाँ पर सभी अपना अपना थोड़ा सा हील करते हैं। और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं लेजेंड की तरफ से शायद से नॉक कर दिया गया है, किसको नॉक किया पता नहीं। ओके तो शायद से इनका जो अजय है वो नॉक है, और हाँ अजय नॉक है, और यहाँ पर शुभम नॉक हो चुका है शायद से अपने किसके तरफ से नॉक हुआ पता नहीं, पर हाँ नॉक हो चुका है। रूपम यहाँ पर फाइट लेते हुए अजय हील करते हुए, और जेरोक्स यहाँ पर अच्छी खासी कोशिश पर यहाँ पर नॉक नहीं कर पाए रूपम लेजेंड को, और अभी कर दिया है नॉक जो कि अच्छी बात है। और शायद से यहाँ पर इनका बाजी पलटते हुए दिख रहा है मेरे को थोड़ा सा, पर देखते कैसे रहता है, मेरे को सर लग रहा है कि ख़त्म है। क्लाउन अकेला 1v4 नहीं क्लच कर पाएगा शायद, और कर भी लिया क्या पता कर नहीं कर पाएगा। ओके चलो ठीक है भाई, अभी लास्ट मैच है देखते हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को फील कि अभी ये वाला मैच ख़त्म होने वाला है, कि काफ़ी देर हो चुका है और अभी थोड़ा सा मतलब ऐसा बातचीत होती रहती है इनमें कि क्या कुछ सीन रहता है। और हाँ ऑब्वियसली प्री रिकॉर्डेड वीडियो से मेरे को पता ही होगा, खाम खा का यार झमेला कर रहा हूँ, तुम लोगों को बता देना मैं क्या हार गया। चलो ठीक है ख़त्म है, इधर से दो प्लेयर और उनका बस दो प्लेयर बचे हैं जो कि अजय और जेरोक्स, और जेरोक्स सही में यार काफ़ी अच्छा खेल रहा है। नवाब यहाँ पर कोशिश करते हुए देखते हैं क्या नवाब किसी को नॉक कर पाएगा, शायद ठीक कर पाए। ओके तो अजय है, अजय शायद से अजय को नॉक नहीं किया गया शायद से। ओके लेजेंड को काफ़ी अच्छा खासा डैमेज, और ये पैक करते हुए हील खड़ा है, और यहाँ पर अजय को शायद से नवाब मार पाएगा कि नहीं पता नहीं, पर सीन ऐसा लग रहा है कि ओके इनका एक और प्लेयर जो है जेरोक्स वो खत्म हो चुका है और अजय भी खत्म हो चुका है, तो फाइनली ये वाला मैच जीत चुका है अपना। हाँ रूपम की स्कोर हार चुके और नवाब की स्कोर जीत चुके, और अभी के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता तुम दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय टेल देम टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और हाँ लाइक कंप्लीट कर देना यार 20 लाइक्स।